हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टैंडर्ड 7th। मैं आपकी हिंदी की टीचर। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताती हूँ। संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी कि किसी भी वस्तु का जो भी नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है। जैसे मेरा एक नाम है, आपका भी कोई नाम होगा, आपके आसपास जितनी भी वस्तु है हर वस्तु का किसी ना किसी नाम होगा। यहाँ नाम ही संज्ञा कहलाता है। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के मुख्य तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है सरदार भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, नदियों के नाम गंगा, फूलों के नाम जैसे कि गुलाब, त्योहारों के नाम जैसे दीपावली, शहरों के नाम जैसे दिल्ली, फलों के नाम आम, पर्वतों के नाम हिमालय और पुस्तकों के नाम जैसे यहाँ दिखाया है रामायण आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। उपयुक्त शब्द लड़का, घर तथा किताब जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अन्य उदाहरण, गांव, नगर, बगीचा, फल, सब्जी, पेड़, बच्चे, किताब, पशु, फूल आदि। यहाँ अक्सर बच्चों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कन्फ्यूज़न होता है, तो हम एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे फल पसंद है, यहाँ फल है वो जातिवाचक संज्ञा है। मुझे केला पसंद है, यहाँ केला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। खेतों की हरियाली अच्छी लगती है, आज गर्मी बहुत है, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। इन शब्दों में हरियाली, गर्मी तथा बुढ़ापा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है, ये भाव है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे भिखारी को देखकर मुझे दया आई, यहाँ दया भाववाचक संज्ञा है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है, हमेशा भलाई का काम करो, यहाँ आदर, बुढ़ापा, भलाई आदि भाववाचक संज्ञाएँ है। अंग्रेजी भाषा से प्रभावित कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो भेद और किए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है वे समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखो,
खेत में भेड़ों का झुंड चर रहा है। यहाँ पर एक भेड़ नहीं है, यहाँ बहुत सारे भेड़ है, तो वहाँ उसका झुंड बन गया है। पुलिस ने भीड़ तितर बितर कर दी, यहाँ व्यक्तियों का समूह बताया है। यह अंगूरों का गुच्छा खट्टा है। इन शब्दों में झुंड, भीड़ और गुच्छा किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी समुदायवाचक संज्ञाएँ हैं। और उदाहरण में देखते हैं तो परिवार है, कक्षा है, सेना है, ये सब समूहवाचक संज्ञाएँ हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है। सोना चांदी अब महंगा हो गया है, मशीनें लोहे से बनती है, सारा तेल बिखर गया है, दूध पौष्टिक आहार है, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। उदाहरणों में सोना चांदी लोहा शब्द धातु के नाम है और तेल, दूध और पानी द्रव्य पदार्थ है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं। कुछ अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएँ घी, दूध, पानी, चीनी, दाल, तांबा, लकड़ी, कांच, मक्का, चावल, पीतल, डीजल आदि। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप संज्ञा के बारे में? अब आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके बाय।